अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। वहीं अगर एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर डीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा वापस आ चुके हैं, जबकि इतनी गहराई में किसी इंसान या मशीन का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, जिसके पीछे समुद्र बहुत बड़ी वजह है। धरती के लगभग 71% हिस्से में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी की वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के नीचे कौन सी चीज है? यहाँ हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे मौजूद चीज का पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ क्या कुछ गतिविधियाँ होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार वीडियो। समुद्र और जीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहाँ सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ जीवों की कई प्रजातियाँ अस्तित्व में आईं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियाँ निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खंगाल पाया है। ऐसे में समुद्र के बाकी 67% हिस्से में क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराइयों तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर डीप को पृथ्वी की सबसे गहरी ज्ञात जगह के रूप में जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती और चारों तरफ घना अंधेरा होता है। इतना ही नहीं, चैलेंजर डीप में पानी का प्रेशर इतना तेज होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि अब तक सिर्फ 8 लोग ही चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके नीचे मौजूद चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर डीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। समुद्र की गहराई, अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह से समझना और देखना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर डीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर की दूरी तक क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 800 फीट की गहराई तक की तैराकी कर सकता है। उससे नीचे जाने पर उसे सांस संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई पर जाने से इंसान को बेहद तेज वाटर प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जलीय जीवों के लिए यह प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है, इसलिए समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में मछलियों समेत दूसरे जलीय जीवों की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी ब्लू व्हेल अपने शिकार की तलाश में 500 मीटर की गहराई तक जाने की क्षमता रखती है, जबकि आमतौर पर यह मछली 300 से 350 मीटर की गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 मीटर की गहराई में पनडुब्बियां नजर आएंगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं, ताकि समुद्र से किसी प्रकार का हमला ना किया जा सके। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाती है। यानी 800 मीटर की गहराई तक जाने पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहाँ सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुँचती है, इसी वजह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होगा। लेकिन कुछ जलीय जीव उस तापमान में भी खुद को जीवित रखने की कला सीख चुके हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है, और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी जलीय जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है।
इस तरह समुद्र की गहराइयों में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद आपको घनघोर अंधेरा दिखाई देगा और यही वो जगह होगी जिसे हम सभी चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ यानी माउंट एवरेस्ट को चैलेंजर डीप में उल्टा डाल दिया जाए तो उसकी चोटी भी चैलेंजर डीप की गहराई को छू नहीं पाएगी और 3 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाएगी। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित कुछ एडवांस मशीनें चैलेंजर डीप की गहराई तक पहुंचने में सफल हो पाई हैं, ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर डीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल अभी भी जस के तस बना हुआ है। क्या है समुद्र के नीचे? अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु निवास करते हैं या फिर वहाँ सोना चांदी मौजूद होगा तो आप बिल्कुल गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है ये जानने से पहले पृथ्वी की संरचना को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही ये तय करेगी कि समुद्र के निचले हिस्से में क्या कुछ मौजूद है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहाँ आप, हम, नदियाँ, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर की मोटाई वाली है। इसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट की लेयर में 1 किलोमीटर की गहराई तक ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार होती खुदाई की वजह से आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर के बजाय 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक पानी में डिकम्पोज होती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के नीचे कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण तो संभव नहीं है। फिर समुद्र के नीचे क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसमी चक्र की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते इस पानी को पृथ्वी के जमीनी हिस्से ने काफी गहराई तक सोख लिया। वहीं बरसात का कुछ पानी नदियों और झरनों में मिलकर सीधा समुद्र में चला जाता था। जमीन द्वारा सोखे गए पानी को पहले कुएं, हैडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, जबकि अब बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल तक चले जल चक्र के कारण ये पानी क्रस्ट के नीचे और मेंटल के ऊपरी हिस्से में जाकर जमा हो गया। इन्हीं दो लेयर्स के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है, इसलिए ये कहा जा सकता है कि समुद्र के नीचे कुछ और नहीं बल्कि सालों पहले बरसात के जरिए धरती पर आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती हैं नदियाँ। यह सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मैक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनोटे एंजलीता रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और उसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश की वजह से गति मिलती है, जिसकी वजह से यह पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदियों के रूप में ही नहीं है, बल्कि यह झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के नीचे कैसे बहती हैं नदियाँ? वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती हैं, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे। ऐसे में रिसर्च से पता चला कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी कि घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसे डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा आपस में मिलती है,
तो उससे समुद्र के नीचे जमा पानी में नई धाराएं बनने लगती हैं। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। इसके अलावा समुद्र में सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा होता है तो किसी जगह पानी बेहद गर्म होता है। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता की वजह से समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या हलचल पैदा होती है, जिसके बाद समुद्र के नीचे नदी का निर्माण हो जाता है। हालांकि इन दो कारणों के विपरीत समुद्र के नीचे नदियों का निर्माण होने के लिए धरती के घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसकी वजह से जमीन के अंदर जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। समुद्र के नीचे धरती के घूमने की वजह से निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी को गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। यह नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया के सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ की धारा का आकार बड़ा ही होगा। इस धारा में बहने वाले पानी को अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइट से भी आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल तक वर्षा हुई और उसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्सों में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बह रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और वह समुद्र के निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब कुछ बहुत ही रहस्यमयी है, जिन्हें सुलझाने का प्रयास इंसान सालों से कर रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि समुद्र के नीचे मौजूद पानी में भी जीवन संभव है या नहीं। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार दोस्तों।